अस्सलाम वालेकुम जी, साई मार्टिन ग्राफिक्स के एक नई वीडियो के साथ आपको खुश आमदीद कहेंगे। और आज हम वॉलपेपर इंस्टॉल करने जा रहे थे G10 मरकज़ इस्लामाबाद में, और ये कोई कंडीशन है जी वॉल की। आप देख सकते हैं कि कितनी ख़राब है, सैम की वजह से ये वॉल ख़राब है। और यहाँ पे आज वॉलपेपर इंस्टॉल होगा। ये वॉलपेपर लगने से पहले कुछ इस तरह किया, वॉलपेपर लगने के बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि वो वॉल किस तरह की लगेगी। और ये वाटरप्रूफ वॉलपेपर है, ख़ास तौर पे उन दीवारों के लिए जहाँ पे सीपीच है, लोग पेंट करा के आप थक चुके हैं, आपका पेंट ख़राब हो जाता है, आप जितनी बार पेंट कराते हैं वो ख़राब हो जाता है। उससे तंग आकर आप ये वाटरप्रूफ वॉलपेपर जो है आप अपने घर में, ऑफिस में, कहीं भी लगवा सकते हैं। ये कंडीशन है वॉल की। मैं बिल्कुल पास जाके कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल क्लोज जाके ये चीज़ें दिखाऊँ कि कितनी ज़्यादा ख़राब है वॉल। और ये आप देख रहे होंगे कि ये कचरा जो है, ये कलर यहाँ से उतरा है, और ये कंडीशन है वॉल की, और ये काफ़ी ख़राब है सैम की वजह से। और अगर आप भी अपने घर में इस तरह का काम करवाना चाहते हैं, अगर आपके रूम में सीपेज का प्रॉब्लम है, तो वाटरप्रूफ वॉलपेपर जो है वो आप लगवा सकते हैं। इस टाइम हम ये वॉलपेपर इंस्टॉल कर रहे हैं जी G10 मरकज़ इस्लामाबाद में। ये इस टाइम कटिंग की जा रही है, और ये वॉल जो है लगनी है। ये आप देख रहे होंगे, ये बॉर्डर है नीचे, और बड़ा खूबसूरत बॉर्डर है। आप देख सकते हैं फाइनली ये वॉल तैयार हो चुकी है, और वॉल की कंडीशन जो है मैंने आपको पहले दिखाई थी वीडियो में, और लगने के बाद ये कंडीशन लगी है, और ये वॉलपेपर लगा है, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये वाटरप्रूफ 3D वॉलपेपर है, और इससे पहले आपने देखा था कितनी ज़्यादा सेम थी वॉल पे इस वॉल पे। और वॉलपेपर लगने के बाद ये इतना खूबसूरत लग रहा है इस टाइम ये रूम, और ये आप देख रहे होंगे कितना खूबसूरत रिजल्ट है। और कमरे का बाकी का भी व्यू आपको दिखाऊंगा। ये साइड भी लगी है, और उसके बाद जो है ये साइड भी लगी है। ये वाटरप्रूफ वॉलपेपर है, बड़ा खूबसूरत वॉलपेपर है, और अगर आपके घर में भी वॉल्स में सेम है तो आप ये वॉलपेपर इंस्टॉल करवा सकते हैं।